आज हम आपको बताएंगे कंजूस सेठ और भगवान की खास कथा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। तभी एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए, देखा डब्बा खुला हुआ है। सेठ जी ने कहा कि बेटा क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत आए थे, तालाब पर रहते हैं, उन्होंने एक चम्मच नमक मांगा तो उन्हें एक चम्मच नमक दे दिया। तभी सेठ का माथा ठनका, वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से बोले, आप जो नमक लाए थे, नमक वो नहीं था बल्कि एक जहरीला पदार्थ था, कृपया करके आप ये भोजन ना करें। संत बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए, वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी, और रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा तो देंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? संत बोले, भगवान कृष्ण की कृपा। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह में दो भाग हुए और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण करवाया। इसके बाद तुरंत सेठ ने घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों, ऐसा था अटूट प्रेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।